ओके सो स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी गूगल क्लासरूम में कोई भी आपका जो काम है, जो आपको असाइन हुआ है, उसको कैसे टीचर को भेजा जाए, उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले अभी आपको समझाने के लिए क्या किया है कि मैं आपके ही गूगल क्लासरूम में एज अ स्टूडेंट एंटर हुआ हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये MSc बॉटनी सेकेंड बैच 2019 एडमिशन का मैंने क्लासरूम खोल दिया है और इसमें मैं एज अ टीचर नहीं एंटर किया हूँ। आई हैव एंटर्ड दिस क्लासरूम एज अ स्टूडेंट, एज अ क्लासमेट, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं क्लासमेट हूँ आपके जैसा और मुझे एक पर्टिकुलर असाइंड काम जो मुझे दिया गया है, टीचर्स ने दिया है, वो मैं यहाँ पर असाइन करूँगा, टीचर को वापस दूंगा कि मैंने बना लिया है और मैं सबमिट कर रहा हूँ। सो आप अपना कोई भी काम जो आपको टीचर को भेजना होता है, जो आपको असाइन किया होता है, उसे कैसे भेजें, उसके बारे में ये वीडियो है। ओके सो ये पहली बात तो ये कि ये मैंने कंप्यूटर पे खोला है, एज यू कैन सी। सो ये कंप्यूटर पे कर रहा हूँ। आप यही चीज़ अगर कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल फ़ोन पे करेंगे, प्रोसेस सेम होता है, बस थोड़ा सा जो प्लेसमेंट है बटन्स की और बाकी चीज़ों की प्लेसमेंट आगे पीछे हो जाती है मोबाइल फ़ोन में, लेकिन प्रोसेस वही है। सो मैंने क्या किया, एज अ क्लासमेट मैं एंटर किया। देन यहाँ पर आप तीन बटन देख रहे हैं, ये है स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब यहाँ पर कोई भी हम कमेंट करेंगे, चैट करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड इवनिंग बोलेंगे, आई हैव कम हेयर, या कुछ भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हो आप लिखोगे, वो सबको दिखाई देगा। दूसरा बटन है क्लास वर्क। क्लास वर्क आप क्लिक करेंगे तो यू विल सी आपको क्या क्या काम असाइन हुआ है। यहाँ पर टॉपिक्स के बार होते हैं, यहाँ पर जर्नल असाइनमेंट का टॉपिक है तो उसके अंदर कुछ काम आया हुआ है उसके बारे में मेंशन होता है। ये जो लिखा हुआ है व्यू योर वर्क, ये बेसिकली है अगर एज अ क्लासमेट मैंने कुछ सबमिट किया है तो वो यहाँ पर आई कैन सी कि मैंने क्या सबमिट किया है। दिस इज़ गूगल कैलेंडर, उसकी आपको ज़रूरत फ़िलहाल नहीं पड़ेगी। एंड दिस इज़ क्लास ड्राइव फोल्डर, इसका मतलब होता है कि क्योंकि दिस इज़ अ गूगल यू नो सॉफ्टवेयर, व्हाट हैपेंस इज एवरीथिंग दैट इज़ सबमिटेड हेयर goes to a Google Drive folder and that is basically this class drive folder। इसकी आपको भी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ फोकस करिए। सो जर्नल असाइनमेंट के टॉपिक में मेरे को काम असाइन हुआ है ट्रीज अराउंड मी। सो मैंने ये खोला, ये खुल गया और यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है पोस्टेड 12:13। ये ग्रीन कलर में बोल रहा है असाइंड, मतलब किसी टीचर ने मुझे, मैं अभी एक क्लासमेट हूँ आपका, मुझे ये काम असाइन हुआ है। काम क्या है देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लुक अराउंड यू, योर हाउस एंड योर सराउंडिंग्स, यू विल सी वेरियस प्लांट फॉर्म्स फ्रॉम क्रीपर्स टू टॉल ट्रीज। टुडे यू हैव टू परफॉर्म एन असाइनमेंट वेयर यू विल लिस्ट आउट 5 ट्री स्पीसीज विच आर फ्लावरिंग एंड 5 स्पीसीज विच आर नॉट फ्लावरिंग राइट नाउ। सो आप अपने चारों तरफ देखिए, आपको दिखेगा कुछ ट्रीज में जैसे गुलमोहर है, कैशिया फिस्टुला मल्ताश है, अकेशिया की बहुत सारे स्पीसीज हैं, आम है, ये सब फ्लावरिंग में है और बहुत सारे स्पीसीज अभी फ्लावरिंग में नहीं होंगे। तो आपको उनके बारे में एक लिस्ट बनानी है जिसमें आप स्पीसीज का बोटानिकल नेम, उसकी फैमिली, कॉमन नेम, चाहे हिंदी में कॉमन नेम हो, चाहे गुजराती में हो या इंग्लिश में हो, सब आप कोई भी लिख सकते हैं। यू कैन मेक दिस लिस्ट ऑन अ प्लेन पेपर, आप एक प्लेन पेपर में ये बना सकते हैं लिस्ट को, या अपने मोबाइल फ़ोन में आप गूगल डॉक्यूमेंट खोल के या वर्ड फाइल खोल के, या कुछ नहीं है तो गूगल नोट्स में जा करके, या कोई भी जहां टाइप कर सकते हैं वहां टाइप करके हाथ से, या लैपटॉप या कंप्यूटर अगर आपके पास है तो उसमें, कुछ नहीं है तो एक प्लेन पेपर पर पेन पेंसिल से आप वो लिस्ट बनाएंगे और फिर आप इस लिस्ट को अपलोड करेंगे इधर एज अ पिक्चर और एज अ PDF डॉक्यूमेंट और एज अ वर्ड डॉक्यूमेंट, जो भी आपको सूट करता है। और इस असाइनमेंट को करने की आपकी जो लास्ट डेट है वो है 24 मई, यानी कि संडे। ओके, आपकी जो लिस्ट होगी वो कुछ इस तरह की होगी। द लिस्ट शुड लुक लाइक दिस, सीरियल नंबर पहला कॉलम, दूसरा कॉलम स्पीसीज, तीसरा फैमिली, चौथा कॉमन नेम, पांचवा फ्लावरिंग या फ्रूटिंग में है या नहीं, है तो यस, नहीं है तो नो, आप इस तरह से करेंगे। सो मैंने ये पढ़ लिया, ये मुझे मैसेज आया हुआ है। देन आई गो टू व्यू असाइनमेंट, कैन यू सी दिस ब्लैक में लिखा हुआ है डार्क में, आप इस पर क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो ये पन्ना खुल जाता है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं
क्लास कमेंट लिखा हुआ है, जहाँ मेरा माउस का कर्सर घूम रहा है, क्लास कमेंट्स, यहाँ पर मैं अपना कुछ कमेंट, मुझे कुछ पूछना है टीचर से, मुझे कुछ डाउट है, तो मैं यहाँ पूछ सकता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, मुझे यहाँ लिखना है सर आई हैव सम प्रॉब्लम, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। कैन यू सी, मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, वो टाइप कर रहा है। तो यहाँ आप कुछ कमेंट लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो। देन नाउ यू फोकस ऑन दिस पोर्शन, आपको अपना काम यहाँ सबमिट करना होता है। कौन सा काम? ये जो लिस्ट आप बनाएंगे। ओके, सो मैंने क्या करना है, मैंने देखा योर वर्क मुझे असाइन किया हुआ है और मुझे यहाँ पर सबमिट करना है। कैसे करेंगे सबमिट? आप ये वाला बटन देख रहे हैं ऐड और क्रिएट, आप इस पर क्लिक करेंगे। ऐड और क्रिएट आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा गूगल ड्राइव, लिंक, फाइल, गूगल डॉक, गूगल स्लाइड, गूगल शीट, गूगल ड्राइंग, यानी कि इतनी तरह के सोर्सेज से आप फाइल जमा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे गूगल डॉक से आपको मुझे अपना असाइनमेंट गूगल डॉक से अगर सबमिट करना है तो मैं यहाँ पर गूगल डॉक क्लिक कर दूँगा। यू कैन सी वो एक गूगल डॉक क्रिएट कर रहा है। ओके ओके, अब इसने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया, लेकिन मैं उसको भी एडिट नहीं कर पाया हूँ, विच मीन्स कि मैं इसको अगर अब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो डॉक्यूमेंट खाली जाएगा, तो मुझे तो ये नहीं चलेगा। तो आई जस्ट सिंपली क्लोज दिस, ये मेरे को नहीं चलने वाला है, मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। एंड देन इसको मैं बंद, इसको हटा रहा हूँ। अब मैं दोबारा से ऐड क्रिएट का बटन दबाता हूँ, मैं फाइल पर जाता हूँ, जो फाइल वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करता हूँ, ये फाइल का ऑप्शन खुला। अब वो कह रहा है कि आप फाइल इंसर्ट करिए गूगल ड्राइव से, तो मैं बोलूँगा कि मुझे मेरी फाइल लोकेट करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पर बटन आ रहा है सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस, आपकी डिवाइस से फाइल सेलेक्ट करिए। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट दबाया, ये बटन क्लिक किया। नाउ क्लिक करने के बाद सपोज़ मैंने ये वाला फाइल, मान लीजिए एक जस्ट एक एग्जांपल है, ये एक फाइल है जो मैंने बनाया है, जो लिस्ट है, ये एक पिक्चर हो सकती है, एक पीडीएफ हो सकता है, ये एक कोई डॉक्यूमेंट का पिक्चर हो सकता है, या वर्ड फाइल हो सकती है, या गूगल डॉक्यूमेंट हो सकता है, कुछ भी है। मैंने उसे यहाँ पर क्लिक करना, तो मैंने मान लीजिए पीडीएफ क्लिक कर दिया। देन मैं नीचे जाऊँगा और मैं बोलूँगा ओपन, ओपन करने से वो यहाँ पर फाइल दिखाएगा। देन आई विल सिंपली से अपलोड, तो यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगा। देखिए नीचे यहाँ पर आ रहा है अपलोडिंग वन ऑफ वन, अपलोड हो रहा है वो। ओके, ये बड़ा फाइल ले लिया है मैंने, इसीलिए टाइम लग रहा है इसमें। आई कैन सिंपली कैंसिल इट एंड चूज अ स्मॉल फाइल। सो मैं दोबारा से जाता हूँ, ऐड और क्रिएट में गए, फाइल क्लिक किया, फाइल क्लिक करके सेलेक्ट फाइल फ्रॉम माई डिवाइस, देन एक छोटी फाइल, ये वाला फाइल छोटा है, ये जो पिक्चर है ये मैंने सेलेक्ट किया। मैं नीचे गया, मैंने यहाँ पर ओपन का बटन दबा दिया, देन यहाँ पर मैंने इसको अपलोड का बटन दबाया है, एंड देन ये अपलोड हो रहा है। ओके, एज यू कैन सी अपलोड हो रहा है, देखो। ओके, ये अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद यहाँ पर दिखाएगा कि जो फाइल मैंने अपलोड की थी वो यहाँ पर इट इज़ शोइंग 4 अप्रैल, जो भी फाइल मैंने यहाँ पर डाला। यहाँ पर मैं कितनी ही फाइल डाल सकता हूँ, मैं और भी ऐड कर सकता हूँ। अगर ऐड करना है तो प्लस वाला बटन दबाइए और आप डालते जाइए उसमें, है ना। अगर आपको गूगल डॉक्यूमेंट से कोई फाइल बनानी है तो पहले फाइल बनाइए, जिससे मैंने पहले आपको दिखाया था कि आई कैन क्रिएट अ गूगल डॉक। द थिंग इज़ कि मैंने वो क्रिएट तो कर दी थी, बट उसमें मैंने कुछ लिखा ही नहीं था, तो ब्लैंक सबमिशन हो जाएगा, खाली सबमिशन हो जाएगा, विच इज़ नॉट राइट। सो आई नीड टू प्रिपेयर अ गूगल डॉक्यूमेंट फाइल फर्स्ट। या आप इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझना चाहते, सिंपली एक वर्ड फाइल में आप अपना लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना करके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करिए, या उसकी फ़ोटो खींच लीजिए, या ilovepdf.com पर जाकर के यू कैन कन्वर्ट द वर्ड फाइल इनटू पीडीएफ। सो देर आर मैनी ऑप्शन। कुछ नहीं होता है तो फोटो खींच करके आप जेपैक भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर आप एज मैनी फाइल्स यू वॉन्ट यू कैन ऐड, यहाँ ऐड करेंगे, एंड देन यू हैव टू क्लिक दिस बटन जिसमें लिखा हुआ है टर्न इन। किसी किसी के कंप्यूटर में टर्न इन नहीं होगा, हैंड इन होगा, HAND, हैंड मतलब हाथ, वो होगा हैंड इन। तो हैंड इन है या टर्न इन है,
वट एवर इट इज़, ये आपको यहाँ पर क्लिक करना है। मैंने बटन दबा दिया टर्न इन का, वो पूछ रहा है मैं आपके काम को टर्न इन कर दूँ, टर्न इन योर वर्क, आई विल से टर्न इन हो जाएगा। इसका मतलब होता है टर्न इन का कि आपको जो काम असाइंड था आपने वो काम कर दिया, और आपने जिस टीचर ने वो काम भेजा था उसको आपने वो काम भेज दिया, आपका काम यहाँ ख़त्म होता है। बाई चांस अगर आपने गलत फाइल भेज दिया, या आप चाहते हो कि अभी ड्यू डेट है, मेरे पास टाइम है, आई यू वॉन्ट टू चेंज योर यू नो वट यू आर सबमिटेड, आप उसे हटा के दूसरा कोई फाइल नया बना के भेजना चाहते हो, तो यहाँ पर ये अनसबमिट का बटन है। कैन यू सी अनसबमिट, ये वाला बटन दबा के ये टर्न इन को वापस भी ले सकते हो, लेकिन ड्यू डेट से पहले। ड्यू डेट के बाद ना तो आप चेंज कर पाओगे और ना दोबारा सबमिट कर पाओगे। सो यू विल क्लिक दिस अनसबमिट अगर आपको करना है चेंज तो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइवेट कमेंट्स, अगर आप प्राइवेटली टीचर को कुछ मैसेज देना चाहते हो कि सर ये काम करने में मुझे दिक्कत आई, या इस काम में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहा, यू वांट टू टेल समथिंग प्राइवेटली टू टीचर, तो वो यहाँ पर आप प्राइवेट कमेंट डालोगे, वो केवल टीचर को ही दिखाई देगा। यहाँ पर क्लास कमेंट में जो आप डालेंगे वो, क्योंकि क्लास कमेंट है, बाकी सबको वो मैसेज दिखाई देगा जो भी आपको कहना है। सो आपका जो टर्निंग इन है वो यहाँ पर होगा, आप यहाँ पर कितनी ही फाइल ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आपने टर्न इन कर दिया, आप उसमें फर्दर नया कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। इस तरह से आपको अपना जो असाइंड काम है उसको आपको करना है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली ये काम हो गया। तो आपको इस तरह से अपने हर काम को टर्न इन करना है, टर्न इन करके आप बाहर आ सकते हो। आप बाहर आने के लिए MSc बॉटनी का जो बड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप बाहर आ जाएंगे। बाहर ये तीन बटन है, स्ट्रीम, क्लासरूम, पीपल। क्लासरूम में आप क्लासवर्क में जाएंगे तो यहाँ पर एज यू कैन सी मुझे ये काम दिया गया था, मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये वापस बंद हो जाएगा, मतलब अंदर चला जाएगा उसका। यहाँ पर आ रहा है व्यू योर वर्क, जो मैंने काम सबमिट किया है वो यहाँ पर दिखाएगा, मैं क्लिक करता हूँ। मैंने क्लिक किया, मेरा नाम आया प्रशांत पंत, रिमेंबर मैं अभी टीचर नहीं हूँ, मैं अभी क्लासमेट हूँ आपका। तो प्रशांत पंत मेरा नाम है और ये मुझे काम दिया गया था, मैंने इस काम को क्या किया है, टर्नड इन कर दिया है। ये देखो लिखा हुआ है टर्नड इन, मैंने जमा कर दिया। कब जमा किया, 24 मई को 11:59 पे मैंने टर्न इन कर दिया है, और ये एक फाइल है, इट इज़ शोइंग द अटैचमेंट। यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो फाइल दिखा देगा मैंने क्या सबमिट किया है। ओके, सो ये इस तरह से आपको अपना काम करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, आप अपना काम, कोई भी काम आप यहाँ स्ट्रीम पर नहीं जमा करेंगे। आप कर सकते हो लेकिन नहीं करेंगे। आप जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आता है कि यू वॉन्ट समथिंग टू, यू कैन राइट समथिंग हेयर, यू कैन ऐड योर फाइल्स हेयर, बट यू आपको ऐसा नहीं करना है। आपको स्ट्रीम में अगर यहाँ आपको कुछ डालना है तो आप क्या डालेंगे, आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कहीं से कोई PDF मिला है जो आप क्लास के साथ और टीचर के साथ आप शेयर करना चाहते हो, तो उस केस में आप यहाँ पर वो ऐड वाला बटन सामने दिख रहा है, वो ऐड वाला बटन दबा के वो फाइल जोड़ के भेज सकते हो। क्योंकि ये आपने स्ट्रीम में पोस्ट किया है, ये सबको दिखेगा, टीचर्स को दिखेगा, आपके क्लासमेट्स को दिखेगा, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन जो काम आपको असाइन हुआ है वो आप टर्न इन ही करोगे। वो कैसे करोगे, क्लासवर्क में जाएंगे और वहाँ से देखेंगे मुझे क्या काम मिला है, और मैं वहाँ से हर काम को सेलेक्ट करके आई विल प्रिपेयर द असाइनमेंट एंड आई विल टर्न इन। ओके, रिमेंबर टर्न इन करना है, आप स्ट्रीम में नहीं डालेंगे। तीसरा बटन जो है वो है पीपल का, कैन यू सी पीपल, PEOPL। ये आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाता है कि आपके टीचर्स कौन हैं और आपके क्लासमेट्स कौन हैं। तो टीचर्स में आपका ये चार आपके टीचर्स हैं, एज यू नो मैं यहाँ पर टीचर्स के साथ टीचर के फॉर्म में भी लॉगिन करता हूँ, और मैं आप लोगों को समझाने के लिए क्लासमेट्स के फॉर्म में भी लॉगिन करता हूँ। इफ़ यू कैन सी यहाँ पर मैंने एज ए क्लासमेट लॉगिन किया हुआ, तो ये आपके क्लासमेट्स हैं, सागर, अलवी, रौनक, दर्शक, जो भी। ओके, सो ये आपका है। तो तीन बटन है, स्ट्रीम, क्लासवर्क, पीपल। तो आज आप लोग ये तीन बटन का यूज़ समझ के आप कोशिश करके देखेंगे, आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो उसमें भी ये तीन बटन होते हैं, प्लेसमेंट नीचे ऊपर होती है, बट होता यही सब कुछ, सब कुछ यही है। यू हैव टू गो टू द क्लासवर्क, क्लासवर्क में आपको जो काम मिला है वो आपको दिखता है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करिए, चाहे आप कागज़ पे लिखिए या वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप करिए, जो भी करना है। देन कन्वर्ट इन टू अ JPEG, वर्ड फाइल भी आप जमा कर सकते हो, PDF भी जमा कर सकते हो, पावर पॉइंट दे सकते हो, एक्सेल शीट दे सकते हो, या JPEG की फॉर्म में भी आप पिक्चर डाल सकते हो। वो डालने के बाद आप उसको टर्न इन करेंगे,
एंड टर्न इन करके आप चाहो तो वहाँ लिख सकते हो कि आई हैव सबमिटेड। आप नहीं भी लिखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमें यहाँ पर मैसेज आ जाता है कि एक्स स्टूडेंट ने जमा कर दिया है। तो ये आपको आज सबको ये करके देखना है। मैंने आपको एक फ़न एक्टिविटी दिया है, इसको प्लीज़ करिए। इट इज़ बेसिकली फॉर योर प्रैक्टिस एंड फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क इन अ गूगल क्लासरूम एनवायरनमेंट। ओके, सब लोग करेंगे और जिसको नहीं आता है वो मेरे से बात करेगा, सीधा मुझे कॉल करेगा। ओके, चलो, सी यू देन, बाय बाय।